पंचमी स्नेह फेयर। आज हम बनाने वाले हैं कैरमल सॉस। मुझे अभी भी याद है शुरू शुरू में कैरमल बनाने से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने किसी से सुन लिया था कि कैरमल बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर मैं हमेशा घबराती रही और मैं हमेशा टालती रहती थी कैरमल बनाना। फिर एक दिन सोचा कि चलो आज ट्राई कर ही लेती हूँ। कैरमल बनाया और वो पूरी तरह चल गया, और एज यू कैन इमेजिन आई वाज सुपर डिसअपॉइंटेड। बट नेक्स्ट टाइम आई अगेन ट्राइड, मैंने वो सारे फियर्स हटाए और फिर बनाया कैरमल, परफेक्ट बना। तीन चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूंगी, आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे तो आपका कैरमल कभी नहीं चलेगा और हर बार परफेक्ट बनेगा। अगर आप भी मेरी तरह कैरमल बनाने से डरते हैं तो आज आप जो सीखेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू मेक अ परफेक्ट ब्यूटिफुल कैरमल एंड कैरमल सॉस। और शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। कैरमल सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रैन्यूलेटेड शुगर यानी कि दानेदार चीनी, पानी, बटर, क्रीम और थोड़ा सा नमक। अगर आपका बटर सॉल्टेड है तो फिर बिना नमक के भी काम चल सकता है। आपको प्रॉमिस किया था कि सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताती जाऊंगी। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो सॉस पैन या पतीला लेंगे वो थिक बॉटम्ड या मोटे तले का होना चाहिए और ऊंचा यानी कि गहराई में ज्यादा होना चाहिए। गहराई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने के लिए एक मोटे से तले का सॉस पैन लीजिए, उसमें डालिए चीनी और पानी और फिर अपनी गैस जला दीजिए। अब इसे धीरे धीरे गर्म होकर उबलने दीजिए। यहां पर दो बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर वन ये है कि आपका सारा सामान जैसे कि क्रीम, बटर आपके पास रेडी होना चाहिए आपकी गैस के पास। ऐसा ना हो कि आपका कैरमल रेडी हो जाए, उस वक्त आप दौड़े ये सामान लेने के लिए, ढूंढने के लिए, उतनी देर में आपका कैरमल जलकर यूजलेस हो जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि आप इसमें कोई भी चम्मच या कोई करछी या कोई ऐसी चीज़ डालकर इसको चलाएंगे बिल्कुल नहीं। इसको धीरे धीरे अपने आप उबलने दीजिए। अगर आपसे खाली खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मेरी तरह इंतज़ार करते हुए, तो आप अपने पैन को घुमाते रहिए धीरे धीरे कुछ इंटरवल्स पर, लेकिन इसके अंदर कोई भी चम्मच या करछी डालकर चलाना बिल्कुल नहीं है। इसको उबलने दीजिए। देखते ही देखते ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे इसका रंग हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा। पहले हल्का सा एम्बर कलर आएगा और धीरे धीरे गोल्डन होना शुरू होगा। बस ये पॉइंट है जब आपको पूरी तरह इस पर ध्यान देना है। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट हियर कि ये जल ना जाए। अगर आप आंच धीमी रखेंगे, इसको चलाते रहेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे जैसे इसका कलर डार्क होगा, आपको कैरमल की हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और फिर इसका कलर जैसे जैसे डार्कन होगा, यहाँ आपको देखना है और डिसाइड करना है कि इस कैरमल को आप कितना आगे ले जाना चाहते हैं। आप इसे थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं या थोड़ा ज़्यादा कड़वा और डार्क की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अब आपका कैरमल बिल्कुल तैयार है। अगर आप किसी रेसिपी में कैरमल यूज़ करना चाहते हैं तो ये है वो पॉइंट जिस पर आप इसको गैस से हटाकर रख देंगे। मेरे चैनल पर एक कैरमल कस्टर्ड की रेसिपी है जिसमें कैरमल यूज़ हुआ है। ये
उसके लिए परफेक्ट है। उस रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, यू मस्ट चेक इट आउट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कैरेमल सॉस बना रहे हैं, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। और अब इस पॉइंट पर आप गैस कर दीजिए बंद, इसमें डालिए क्रीम और खूब तेजी से उसे विस्क कर दीजिए, जिससे कि सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए। और जैसे आप इसमें क्रीम डालेंगे, ये एकदम से उफन कर ऊपर आएगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था एक ऊंचा बर्तन लीजिएगा। तो अब आप देखिए इसका कलर कैसा ब्यूटीफुल गोल्डन हो रहा है। इट्स अ लवली टॉफी कैरमल सॉस दैट वी हैव हियर। लेकिन इसमें अभी हमें डालना है बटर, तो इसमें बटर डाल दीजिए, मिला दीजिए और फिर दोबारा से गैस जलाकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर चलाते चलाते इसको पकने दीजिए। जितना गाढ़ा और जितना डार्क कलर आप चाहते हैं उस पॉइंट तक आप इसको पका सकते हैं। तो मेरा कैरमल सॉस तो बिल्कुल तैयार है। नाउ आई कांट वेट टू टेस्ट इट एंड यूज इट विथ पैनकेक्स एंड वॉफल्स। बस ये ठंडा हो गया है और इसको अब मैं डाल लेती हूँ एक जार में और ये फ्रिज के अंदर आराम से 2-3 हफ्ते रह सकता है एयर टाइट कंटेनर में। सो आई होप आपका कैरमल बनाने का डर भी अब निकल गया होगा। आप जाइए और ये कैरमल सॉस जरूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय।